हाय फ्रेंड्स, आज 10:28 पे हमने एक ट्रेड कॉल दिया है। उसका रीज़न या लॉजिक क्या है, उसका एक्सप्लेनेशन है, ताकि आप ये समझ पाओ कि परसेप्शंस किस एंगल पे मैंने ये एनालिसिस किया या एक व्यू किया कि ऐसा हो सकता है। ये वीडियो बनाने का प्रयास ये नहीं है कि प्रॉफिट आया तो मैं आपको दिखा दूंगा और लॉस आया तो छुपा दूंगा। दैट इज नॉट द मेन पर्पस। एंड ऑल्सो बिहाइंड द कॉल, ये जो कॉल है उसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस चल रहा है, क्यों ये कॉल दिया है 10:28 पे आफ्टर आपका पॉलिसी आरबीआई पॉलिसी रेट डिसीशंस के बाद। उसी का एक प्रोसेस है। ये है डॉलर रुपी का चार्ट। आज मॉर्निंग में मेरा जो प्री मार्केट एनालिसिस है वहाँ पे ये डिस्कशंस किया था कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन पहले सपोर्ट था, इंक्लाइंड ट्रेंड लाइन सपोर्ट, जो अभी जाके एक्सपेक्टेड रेजिस्टेंस लेवल। ऑल्सो ये आपका 8290 से 83 में एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लेवल्स है। सो यहाँ पे दो प्रोबेबल रेजिस्टेंस लेवल्स था जहाँ पे प्राइस थोड़ा सा रेस्पेक्ट करके टाइम खा सकता था। इसका मतलब क्या है कि पहला बात है यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है या नहीं। उसके बाद अगर रेजिस्टेंस ले रहा है तो यहाँ पे टाइम पास करके थोड़ा सा नीचे की तरफ आएगा क्या नहीं। ऑप्शन राइटिंग इज ऑल अबाउट टाइम के एक व्यू है। उस व्यू पे उस समय पे क्या डेट पर्टिकुलर प्राइस उसके नीचे होगा या ऊपर होगा। दैट बीइंग द केस यहाँ पे दो प्रोबेबिलिटीज था। मैंने यहाँ पे दो कॉल दिया था आपको, एक है 83 कॉल्स बेचने के लिए एंड 83 क्वार्टर का कॉल बाई करने के लिए, और दूसरा वाला क्या था फॉर एग्रेसिव पीपल 80-75 कॉल को राइट करने का एंड 83 क्वार्टर कॉल को बाई करने का। अभी दूसरा वाला कॉल क्यों बाई करने का है, उसका मेन रीजन क्या है कि आपका मार्जिन को बेनिफिट देने का। फर्स्ट है लेवल आइडेंटिफिकेशन। आज है 8th of February, Wednesday, कल 9th of February एंड परसों है 10th of February। सो 10th of February का वीकली एक्सपायरी जो है उसका ये ट्रेड गेम है, गेम प्लान है जो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। अभी ये रेजिस्टेंस दो मेन है 83, तो 83 के ऊपर बाई फ्राइडे 12:30 जाना नहीं चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड ऑफ ऑल बाय 12:30 12:30 तक फरवरी 10th एक्सपायरी डेट पे प्राइस अगर 83 के नीचे रह जाता है उसके ऊपर का जितना भी प्रीमियम है वो जीरो हो जाएगा। राइटिंग आप अगर करोगे तो दैट बीइंग द केस 83 क्वार्टर बाई जो करोगे मार्जिन बेनिफिट के लिए वो भी जीरो हो जाएगा एंड 83 कॉल जो आप शॉर्ट करोगे वो भी जीरो हो जाएगा। ये दिस इज द फर्स्ट। सेकेंड इज फॉर द रिस्क फॉर एग्रेसिव ट्रेडर्स। एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए 80-75, तो ऐसा लग रहा है कि 80-75 के ऊपर रहेगा नहीं बाय फ्राइडे 10th of February 12:30 PM तक। Why 12:30 PM? Because 11:30-12:30 का RBI का यानी FBI रेट, जिसको पहले RBI रेफरेंस रेट कहा जाता था, वो इसके ऊपर रहना नहीं चाहिए। So, अगर by 11:30-12:30 on 10th of February Friday को price अगर 80-75 के नीचे रहता है, इन सच केस जो भी प्रीमियम होगा ये जीरो हो जाएगा एंड यू विल एंजॉय एवरीथिंग।
सो दिस इज द टू लॉजिक. फर्स्ट ऑफ ऑल सेफ प्लेयर्स के लिए 83 कॉल को राइट करने का, एग्रेसिव रेडर को 82-75 कॉल को शॉर्ट करने का. अभी देखते हैं आपका कितना मार्जिन लगता है. आप देखोगे यहाँ पे 82-75 के कॉल को अगर शॉर्ट करते हो एंड उसके अगेंस्ट में 83 क्वार्टर के कॉल को बाई करते हो, देन यू रिक्वायर ओनली 1,06,000 रुपीस. अगर 83 क्वार्टर के कॉल को बाई नहीं करते हो, इन सच ए केस आपका मार्जिन डबल हो जाता है. दिस इज द डबल मार्जिन, 2,20,000 फॉर 100,000. 100,000 मीन्स 100 लॉट्स के लिए. सो यूएसडी आईएनआर 83.25 का कॉल को जैसे ही आप उसके कॉम्बिनेशन के साथ बाई करोगे तो आपका जो मार्जिन है हाफ हो जाता है. सो दिस इज द रीजन फॉर बाइंग आउट ऑफ द मनी कॉल अगेंस्ट द राइटिंग द 82-75 और 83. अभी यानी इन्वेस्टमेंट आपका है 1,10,000 और जिस टाइम पे मैंने आपको कॉल दिया था, कितने बजे दिया था, 10:28 पे ये मैंने व्हाट्सएप पे कॉल दिया था एंड मैंने जो ट्रेड लिया है वो है 10:24 पे, यानी जस्ट 2-3 मिनट्स में. इतना ज़्यादा कुछ मूवमेंट, ज़्यादा कुछ चेंजेस हुआ नहीं, उल्टा 10:28 पे ये थोड़ा अगेंस्ट में भी गया था. ये आपका 11:75 कॉल 10:24 पे मैंने राइट किया था, उसके अगेंस्ट में 2 पैसा 83 क्वार्टर का हेजिंग फॉर मार्जिन बेनिफिट. तो यहाँ पे मेरे को कितना मिलेगा, 975. आप अगर इसका थोड़ा सा चार्ट देखोगे, मैं 10 मिनट का चार्ट लगाता हूँ. आप देखोगे ये, देखो ये वाला, मैं कॉल देने के बाद उल्टा ये 14:30 तक गया था, यानी थोड़ी देर के बाद मैंने 11:75 में शॉर्ट किया था, ये 14:50 तक गया था हाई, उसके बाद अभी है 8 पैसा. सो दैट बीइंग द केस, यहाँ पे मैंने, आप ये नीचे वाला पोजीशंस को छोड़ दो, ये नेकेड फ्यूचर शॉर्ट है जस्ट फॉर एक टेस्ट चेंज के लिए. मेन ट्रेड है यहाँ पे 11:75 बाय सेलिंग 82-75 एंड बाइंग 83 क्वार्टर. तो यहाँ पे मेरे को मैक्स टू मैक्स बेनिफिट कितना होगा, 975, यानी 100,000 पे मेरे को 9,750 रुपये का एक बेनिफिट मिल सकता है, प्रोवाइडेड मेरा व्यू सही जाए. तो आपका ₹9,750 मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है बाय इन्वेस्टिंग 1,10,000. तो परसेंटेज रिटर्न इज हाउ मच, क्या हो गया ये 9,750 डिवाइडेड बाय 1,10,000 इन्वेस्टमेंट. कैलकुलेटर में कुछ गड़बड़ है तो मैं दूसरे जगह पे देख लेता हूँ. 9,750 डिवाइडेड बाय 1,10,000 इज योर 8.86%. 8.86%. ओके. तो 1,00,000 रुपया लगा के 8,800 रुपये का एक ओनली ऑन वीकली कॉल्स, यानी फॉर राउंड ऑफ पर्पस मैं इसको 9%, 8% ही पकड़ता हूँ, छोटा 8%.
तो आप अगर हफ्ते में चार का चार ट्रेड लेते हो, 36% 32% का आपका रिटर्न महीने का, 32% महीने का, 32% बोले तो इंटू 12 साल का हो गया 384, इतना भी नहीं चाहिए। महीने का 32% का भी आधा, मैं जस्ट एक कैलकुलेशन लेता हूँ कि लगता है कि आपको हर हफ्ते में नहीं मिलेगा, 2 हफ्ता 4 हफ्ते में आपको 2 हफ्ता मिलता है और एक मंथली एक्सपायरी है, सो उसका 16%, उतना भी छोड़ दो, उसका भी छोड़ हाफ कर लो, यानी 1/4, 8% महीने का, 8% अगर आप ट्रेड करते हो, साल का इंटू 12 96%, यानी 100%। हाँ, लेकिन इसमें आपको एक्सपर्टीज लेना पड़ेगा, काफी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसमें मेन आइडेंटिफिकेशन आपका रेंज होगा, कोस किस रेंज के ऊपर जाना नहीं चाहिए या किस रेंज के नीचे जाना नहीं चाहिए। यहाँ पे आप देखोगे, माय व्यू इज 80-75 के ऊपर क्लोज देना नहीं चाहिए। अभी हाथ में और 2 दिन है, ऐसा भी हो सकता है कि कल या परसों सडनली कुछ कारण के लिए ये 83 के ऊपर चला जाए, देन आई विल बी बुकिंग द लॉस। अगर नहीं होता है तो एंटायर 8%, यानी ये 9,750 रुपया मेरे जेब में बाई इन्वेस्टिंग 1,10,000। सो यहां पे जो माइंडसेट है या थिंकिंग प्रोसेस है, द लॉजिक है, लॉजिक ये है कि बाय फ्राइडे ये लेवल किसके ऊपर जाना नहीं चाहिए या किसके नीचे जाना नहीं चाहिए। आप बोलोगे कि ये 82 के नीचे जाना नहीं चाहिए, इन सच केस आप 82 का पुट को भी शॉर्ट कर सकते हो, USD INR 82 PE। लेकिन इसमें ज्यादा कुछ 10 फरवरी का प्रीमियम कितना है देखना पड़ेगा, देर पैसा है, ज्यादा कुछ है नहीं। फिर भी देर पैसा में भी अगर आप 100,000 शॉर्ट करते हो, एक मीन्स 100 लॉट्स आप शॉर्ट करते हो और आपको एक पैसा भी मिलता है, मीन्स 1,000 रुपीज अगेंस्ट योर इन्वेस्टमेंट ऑफ 1,00,000 रुपीज, विच इज 1%। 1% एक हफ्ते में मिलता है, ये 82 नहीं जाने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, 82.00, रेदर देन आपका 80-75 के ऊपर क्लोज देना। देर आर टू प्रोबेबिलिटीज, क्या ये 82 के नीचे जा सकता है, कोई भी बोलेगा चांसेस ऑफ डॉलर रुपी टू क्लोज बिलो 82 बाई फ्राइडे इज वेरी लेस, नहीं होगा कोई नहीं बोलेगा, चांसेस आर वेरी लेस। वेयर इज 80-75 के ऊपर क्लोज देना, क्योंकि ये कॉल राइटिंग किया, इसके ऊपर जाएगा तो मेरा लॉस होना चालू होगा, आई विल बी सेफ टिल मैंने 9 पैसा, यानी 75 और 9, 84, अगर 82.84 तक RBI फिक्सिंग यानी RBL रेट आता है तब तक आई एम सेफ, उसके ऊपर जैसे क्लोज देगा तो मेरा लॉसेस है। सो यहां पे प्रोबेबिलिटी क्या है कि 82 के नीचे जाना प्रोबेबिलिटी कम है, रेदर देन 80-75 के ऊपर क्लोज देने का प्रोबेबिलिटीज, ऑल अबाउट योर रेंज आइडेंटिफिकेशन। तो वंस अगेन हमने क्या किया, यहाँ पे रेंज एक आइडेंटिफाई किया, एज्यूम किया एक कॉल था जो रेगुलर 83 का कॉल को शॉर्ट करने का, उसमें ज्यादा प्रीमियम कितना क्रेडिट था, दो नेट क्रेडिट आपका 2,75, यानी आप अगर 100,000 शॉर्ट करते सो 2,750 रुपीज अगेंस्ट 1,10,000, आपका 2.5%, 2.5%, 2.5% इन 1 एक्सपायरी। देर आर 4 वीकली एक्सपायरीज एंड 1 मंथली एक्सपायरी, इफ मंथली एक्सपायरी डजेंट कोइंसाइड विथ वीकली एक्सपायरी, अगर कोइंसाइड करता है तो मंथली 4 ही एक्सपायरी होगा, अगर कोइंसाइड नहीं करता है मंथली एंड वीकली एक्सपायरी ऑन फ्राइडे, इन सच ए केस 5 एक्सपायरीज आर देयर, जहां पे आप अगर 1-1% भी बनाने का कोशिश करोगे ऑन योर इन्वेस्टमेंट, 4-5%, 4% ही पकड़ते हैं महीने का,
टू बी ऑन द सेफर साइड। ये तो थोड़ा ज्यादा प्रीमियम मिल गया क्योंकि मैं 2 दिन पहले का रिक्स लिया। आप अगर इवन फ्राइडे को भी करोगे मॉर्निंग में या थर्सडे इवनिंग में करोगे 4:30-4 बजे, तब भी आपको एक अच्छा खासा पैसा मिल सकता है। जैसे कि लास्ट फ्राइडे को आपको मैं कंसोल में जाके दिखाता हूं फ्राइडे का करेंसीज का, लास्ट फ्राइडे का रिपोर्ट्स PNL करेंसी डेट कौन सा है, पिछले फ्राइडे का, थर्ड फेब्रुवरी का। अब देखो करेंसी कॉम्बाइंड, इसमें मेरे को 6,000 मिला और एक दूसरा अकाउंट था जहां पे मैंने 17,000 बनाया था। सिंपल, वेरी सिंपल स्ट्रेटेजी। जितना सिंपल होगा उतना इजी नहीं होगा। आपको यहाँ पे सिर्फ एक रेंज आइडेंटिफाई करना है, आइदर टॉप और बॉटम और बोथ। आई रिपीट, आइदर आपको टॉप आइडेंटिफाई करना है या बॉटम आइडेंटिफाई करना है, नहीं तो दोनों आइडेंटिफाई करना है। अगर दोनों आपका आइडेंटिफाई हो जाता है इन सच ए केस, आप दोनों साइड में शॉर्ट करो, ऊपर में कॉल शॉर्ट करो, नीचे में पुट शॉर्ट करो। अगर आपका एक साइड आइडेंटिफाई कर सकते हो तो उसी साइड का, ऊपर का अगर आपको आइडेंटिफाई होता है तो आप पुट शॉर्ट करोगे, नीचे का अगर आइडेंटिफाई होता है तो, सॉरी, अगर आप ऊपर का आइडेंटिफाई होता है कि इसके ऊपर जाएगा नहीं तो आप कॉल शॉर्ट कर सकते हो, अगर नीचे का आइडेंटिफाई होता है कि इसके नीचे नहीं जाएगा तो आप उस लेवल का, उस रेंज का पुट को शॉर्ट कर सकते हो। एंड 1% करके, मैं मिनिमम का बात कर रहा हूँ, 3-4% महीने का मिनिमम, हो सकता है 3% भी करोगे महीने का। आप बोलोगे अरे यहाँ पे आप 8% बता रहे हो, यहाँ पे इस ट्रेड में आप 8% का, क्योंकि यहाँ पे मैंने 2 दिन पहले का एडवांस एक रिस्क लिया है। आई डोंट नो बाई फ्राइडे क्या ये 8275 के नीचे क्लोज रहेगा या नहीं, बाई 12:30 ऑन 8275 रहेगा या नहीं रहेगा। अभी ये प्रॉफिट दिखा रहा है, जैसे ये ऊपर जाना चालू करेगा प्रॉफिट कम होता जाएगा एंड धीरे धीरे लॉस दिखता रहेगा। सो प्रॉफिट एंड लॉस इज नॉट द मेन क्राइटेरिया है यार, यहाँ पे मेन क्राइटेरिया है आपका रेंज आइडेंटिफिकेशन। क्या ये फ्राइडे 10th ऑफ फेब्रुवरी को 11:30 to 12:30 में क्या ये 8275 के नीचे रहेगा या 8275 के ऊपर रहेगा, दिस इज द गेम। तो आपको अगर एडवांस कैलकुलेशंस किया, इसीलिए रिस्क भी ज्यादा है एंड रिवॉर्ड भी ज्यादा है। आप अगर दूर का करोगे, जैसे कि हमने बताया कि आपका देखो 82 वेरी रिमोट चांसेस कि ये 82 के नीचे आपका क्लोज दे। अभी कहां पे है, 82.58 में है। तो आप यहां पे एक पैसा जेब में डालने का प्रयास करोगे तो क्या होगा, 1% आपको मिलेगा वीकली। 4 हफ्ता करोगे तो 4%, मान लेते कि आपने 4 हफ्ता नहीं किया, 2 हफ्ता किया तो 2%, महीने का 2%, साल का 24%। आप अगर 4 हफ्ते का लेते हो 1% करके तो 4% महीने का, 48% साल का। इट्स नॉट अबाउट 1,000 rupees और 4,000 rupees और 10,000 rupees, इट्स अबाउट परसेंटेज। सो एक रफ कैलकुलेशन करते हैं कि हमें साल का 30% मिलता है। 30% आपका कैपिटल अगर 1,00,000 है तो 30,000, आपका कैपिटल अगर 5,00,000 है तो 1.5 लाख रुपया, आपका कैपिटल अगर 10,00,000 है तो 3 लाख रुपया, आपका कैपिटल अगर 1 शेयर है तो 30 लाख रुपये। लेकिन वो आप झट से कैपिटल मत बढ़ाओ, धीरे धीरे करो,
एक से दो साल प्रैक्टिस करो। आई रिपीट, एक से दो साल प्रैक्टिस करो एंड ग्रेजुअली आपका जो कैपिटल है उसको बढ़ाओ। पहले 1 लाख 2 लाख से चालू करो, 1-1 हजार रुपया बनाओ, 5 हजार बनाओ। आप बोलोगे क्या होगा आशीष, मंथली 5 हजार में क्या होगा, 1-1-2-2 हजार में एक एक्सपायरी का अगर बनता है तो मंथली मान लो 5 हजार रुपया बनता है, क्या होगा ऐसा। क्या होगा महीने का 5 हजार, साल का एनुअल पीएनएल कितना होगा, इंटू 12 60,000 रुपीज। इससे प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करते करते देन यू इंक्रीज द फंड साइज। जैसे जैसे आपका एक्सपर्टीज हो जाएगा, आपका कंफर्ट यहां पे आ जाएगा, आप अमाउंट बढ़ाते रहो एंड एंजॉय करते रहो। सो ये जो एनालिसिस है इतना आसान भी नहीं और इतना डिफिकल्ट भी नहीं। पहले पहले आपको रेंज आइडेंटिफाई करना है, क्या ये 80-75 के नीचे क्लोज देगा, 83 के नीचे क्लोज देगा, 82 हाफ के नीचे क्लोज देगा या 82 क्वार्टर के नीचे क्लोज देगा, कहां पे क्लोज देगा। एंड डिपेंडिंग ऑन दैट वन आप कॉल राइट करो या पुट राइट करो, छोटा छोटा करके 500 रुपया 1000 रुपया करके, आइदर प्रॉफिट या लॉस। लॉस भी होगा कभी कभी आपको, सो डोंट थिंक दैट इट इज फुल प्रूफ, क्योंकि अभी ये प्रॉफिट दिख रहा है 3700 माइनस 1000, ये दो कॉम्बिनेशन में यानी 2700 रुपया बाई इन्वेस्टिंग अमाउंट ऑफ आपका 1.5 लाख, 1.5 लाख नहीं एक्चुअली ये 1,10,000 है, क्योंकि यहाँ पे मैंने और एक शॉर्ट छोटा शॉर्ट पोजिशन है, यहाँ पे मैं करेंसीज को प्रैक्टिस करता हूँ, इसीलिए मेरा फंड साइज छोटा है, 1.5 लाख रुपया है, छोटा छोटा करके मैं प्रैक्टिस करता हूँ। मेरे को ये 1.5 लाख फंड को सडनली 15 लाख नहीं बनाना है, ग्रेजुअली करना है, 3 महीना प्रैक्टिस करना है, फिर इस 1.5 लाख को 5 लाख करना है, 5 लाख को फिर 3 महीना 6 महीना प्रैक्टिस करना है, फिर 5 लाख को 10 लाख करना है एंड ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप जाना है। आज मैंने प्रॉफिट बना लिया 5,000, 10,000, 25,000, 50,000 तो मेरे को जंप आउट नहीं करना है, जंप आउट करके 1.5 लाख वाला जो कैपिटल है उसको 15 लाख या 25 लाख या 1 करोड़ नहीं करना है, मेरे को प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे माइंडसेट ये नहीं होना है कि कितना पैसा बना रहे, ये माइंडसेट होना है कि क्या मैं सीख रहा हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कितना आ रहा है ऑन ए पर्टिकुलर लेवल, दैट इज द मेन थिंग, माई माइंडसेट इज मोर इम्पोर्टेंट हियर, क्योंकि एक बार अगर माइंडसेट से ही बन गया प्रॉफिट आपके पीछे दौड़ेगा। एक बार आपको कॉन्फिडेंस मिल गया तो 1.5 लाख वाला कैपिटल 15 लाख करने में, 1.5 लाख वाला कैपिटल 1 करोड़ करने में, 1.5 लाख वाला कैपिटल 10 करोड़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉन्फिडेंस 6 महीना 1 साल 2 साल प्रैक्टिस करना है एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी पे। यहाँ पे क्या स्ट्रेटेजी है, जस्ट टू ट्राई टू आइडेंटिफाई द रेंज, किसके ऊपर क्लोज नहीं देना है और किसके नीचे क्लोज नहीं देना। That's all on every Friday, weekly expiry. Last Friday का एक positions मैं आपको दिखाता हूं, दूसरा एक account है ट्रेड जीनी, मेरे पास 3 basically accounts है, एक है जीरोधा का, दूसरा वाला है ट्रेड जीनी का, तीसरा वाला है फायर्स का। तो यहां पे एक रिपोर्ट में आ जाते हैं, कौन सा डेट था पिछले एक्सपायरी, लास्ट एक्सपायरी 3rd of February, फेब्रुवरी थर्ड करेंसीज
छोटा पैसा है, मे बी फ्यू थाउजेंड, 15,000 और 17,000। इधर गया, ये क्या आया, CDS और 22 से आया, 23 का किधर है, यस कुछ गड़बड़ हो रहा है, यस 3 फरवरी 17,464, यहाँ पे आया 17,000 और उधर आया 6,000, 6,000 ऑन 3 फरवरी यानी 23,000। मेरा इंटेंशन यहाँ पे प्रॉफिट नहीं दिखाना है, ये 20,000-25,000 बहुत ही छोटा अमाउंट है, बहुत ही छोटा अमाउंट है। पीपल आर अर्निंग इन लैक्स एंड लैक्स ऑफ रुपीज, क्रोर्स एंड क्रोर्स ऑफ रुपीज, ये 17,000-25,000-30,000-5,000-10,000 बहुत ही छोटा अमाउंट है। लेकिन आप अगर रेगुलरली इसको प्रैक्टिस करते रहोगे तो यही 15,000-20,000-25,000 कब लाखों करोड़ों में कन्वर्ट हो जाएगा आपको भी पता नहीं। दैट इज वाई यहाँ पे मेन थिंग इज नॉट अबाउट प्रॉफिट, इज मेन थिंग इज योर माइंडसेट, मेन थिंग इज द प्रोसेस। क्या प्रोसेस है, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग दैट वन, और एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्रोसेस इस स्ट्रेटेजी पे। देर मे बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजी, डिफरेंट पीपल्स प्लेइंग इन डिफरेंट स्ट्रेटेजीज। ये जो स्ट्रेटेजी है, इस स्ट्रेटेजी का मैं बात कर रहा हूँ जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। डिफरेंट गाइज आर प्लेइंग डिफरेंट, बैंक निफ्टी, निफ्टी, ऑल दिस थिंग्स। आपको और एक दिखाता हूँ, FNO, कल आपका कौन सा था डेट, 8th of February FNO, छोटा एक प्रॉफिट है, किधर गया, 8th February to 8th February किधर गया, एक मिनट, माई बैड, मंगलवार बोले तो 7th February का था, ₹7,200 इन दिस अकाउंट। दूसरा वाला अकाउंट में भी 7,500 रुपया था, यानी 15,000 रुपया एक एक्सपायरी पे। मंगलवार फिन निफ्टी एक्सपायरी किया था, उसमें 15,000 बना है, इसमें 7,200 और एक अकाउंट में 7,500 रुपया है। उससे पहले 3rd of February को 23,000 रुपया, कल थर्सडे को निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में कुछ एक अर्निंग का एक्सपेक्टेशन है, मे बी 5,000-10,000, मे बी वट एवर इट मे बी। यानी इसी स्ट्रेटेजी, फिर फ्राइडे के लिए ऑलरेडी अगर मेरा व्यू सही गया तो यहाँ पे 10,000 रुपया बनेगा, हियर आई विल बी गेटिंग 10,000 रुपीज, प्रोवाइडेड रुपी डॉलर रुपी आपका 80-75 के नीचे हो। सो यही स्ट्रेटेजी करके 10,000-15,000 करके 3 दिन 30,000-40,000, 3 दिन में 40,000 ऑन एन एवरेज, महीने का 1.5 लाख रुपये ऑन एन एवरेज, यूजिंग स्मॉल कैपिटल, स्मॉल कैपिटल आप कर सकते हो। इसके लिए दैट इज वाई यहाँ पे 1.5 लाख-2 लाख दिखाने का मंथली प्रॉफिट मेरा कोई इंटेंशंस नहीं है, बिकॉज माई एक्सपेक्टेशन इज समथिंग एल्स। मैं यहाँ पे माइंडसेट के बारे में बात कर रहा हूँ, एक स्ट्रेटेजी के बारे में कर। बाजार में शुभ जी सर, घनश्याम सर, दे आर मिंटिंग मनी इन क्रोर्स, बट उनका स्ट्रेटेजी अलग है, मेरा स्ट्रेटेजी थोड़ा डिफरेंट है। मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, आने वाले दिनों में जैसे ही कैपिटल 15 लाख का कैपिटल को मैं 30 लाख करूंगा, 50 लाख करूंगा, 1 शेयर करूंगा, अकॉर्डिंगली इसका इंटरेस्ट बढ़ता रहेगा।
what is my main intention? My main intention is not to make money, but to practice the strategy that is consistently giving me some amount of money. Currently, it is giving on an average 1.5 lakh rupees. जैसे मैं कैपिटल बढ़ाता रहूंगा, मीन्स इसके पीछे मल्टीप्लाई होने में इंटू टू इंटू फोर इंटू टेन होने में कोई बड़ी बात नहीं है. बात क्या है? आपका माइंडसेट. अभी देखोगे व्हाट इज मीन बाय द माइंडसेट. यहाँ पे देखो, आप बोलोगे अरे इतना आसान है तो मैं 100 लॉट्स क्यों लूंगा, मैं 1000 लॉट्स ले लेता. 4 दिन आप 100 लॉट्स करके 10-10 हज़ार या 5-5 हज़ार करके 20 हज़ार बनाओगे या 40 हज़ार बनाओगे. 1 दिन आप 1000 लॉट यानी 1 मिलियन का पोजीशन लेके 1 लाख रुपया गवाओगे. फायदा क्या? कोई फायदा नहीं. इसीलिए आपको कंसिस्टेंटली खेलना है. 4 दिन प्रॉफिट बना लिया, 5वें दिन में मैक्सिमम वॉल्यूम दबा के पोजिशन ले लिया, नहीं. दैट इज वॉट द माइंड सेट आई एम टॉकिंग अबाउट. एक रेगुलर प्रैक्टिस. अभी देखो 2:34 है, मैं कितना शांति से ट्रेड कर रहा हूँ. मेरे को दूसरा ट्रेड्स नहीं करना, क्योंकि मेरे को मंगलवार को फिर निफ्टी का ट्रेड करना है, गुरुवार को निफ्टी का और फ्राइडे को करेंसी का करना है. और छोटा छोटा प्रॉफिट करना. 1% इज माई टारगेट, 1% इज माई टारगेट. उससे ज़्यादा दे देगा तो थैंक यू साईं बाबा, बट आई एम टारगेटिंग 1%, यानी 15,000 रुपया 1 दिन में. 3 दिन मंगलवार गुरुवार फ्राइडे 45,000 रुपया महीने का, 1.5 लाख रुपया रफली प्लस माइनस, क्योंकि कंसिस्टेंटली ये गारंटेड नहीं है कि हमेशा 15,000 ही मिलेगा. बीच बीच में एक आध लॉस भी होगा, कभी 15,000 के प्रॉफिट के जगह पे 5,000 प्रॉफिट भी हो सकता है, कभी 15,000 प्रॉफिट के जगह पे 30,000 प्रॉफिट भी हो सकता है. जो भी आपका स्ट्रेटेजी है उसके ऊपर डे इन एंड डे आउट एवरी डे आपको प्रैक्टिस करना है कंसिस्टेंटली. दैट इज व्हाट आई वांट टू मीन. यहाँ पे देखो 15 लाख का जो कैपिटल है, अगर मेरा 4 महीने से प्रॉफिट चल रहा है तो मैंने यहाँ पे 50 लाख का कैपिटल बनाया नहीं. मेरे को ग्रेजुअली जाना है, 15 लाख का 25 लाख करना है. अभी कब करना है उसके लिए मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि माइंडसेट. प्रॉफिट तो बहुत अच्छा लगता है, लॉसेस जब होता है बहुत गंदा लगता है. कल का जो मैंने PNL आपको दिखाया 7,222 रुपया यहाँ पे और दूसरे में 7,500 रुपया, लेकिन इंट्राडे में एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज मेकिंग ए लॉस ऑफ 32,000 या 33,000 M2M लॉस. सो वो जो माइंडसेट है that is more important than making the money. Somehow, by God's grace, एक particular point पे मैंने position का exit किया था, फिर re-entry मारा था and I got the benefit of that. December महीने में यही करते करते मेरे को back to back 3 दिन में मेरे को 32,000 करके loss पे loss मार रहा था. 3 trading days में मेरा 1 लाख रुपया हवा हो गया था profit. 1.5 लाख बनाया था, 1 लाख उड़ गया था. एंड दिसंबर मंथ में somehow I could मैनेज a प्रॉफिट ऑफ 25,000 और 30,000, क्योंकि मैं थोड़ा सा उसको एग्रेसिव जाने का प्रयास कर रहा था. फिर मैं स्लो हो गया. आराम से करना है. मैं व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग दिस, ये जो स्ट्रेटेजी है इट्स नॉट अबाउट द स्ट्रेटेजी, इट्स अबाउट द माइंड सेट. ये एक पैसा बनाने का मैकेनिज्म नहीं है. यहाँ पे एक प्रोसेस आप आइडेंटिफाई करो, वट एवर मे बी योर प्रोसेस, उसके ऊपर आप 3-6 महीना टाइम दो, फिर अमाउंट को थोड़ा बढ़ाओ, फिर 3-6 महीना टाइम दो, फिर अमाउंट को डबल करो एंड ऑन. सो ये जो आज का मैंने ये ट्रेड कॉल दिया था उसका मोटिव बिहाइंड, माइंडसेट बिहाइंड, लॉजिक बिहाइंड, रीजन बिहाइंड क्या है, उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए. आप में से कोई अगर इस टाइप का ट्रेड करते हो तो कर सकते. Start it 1 lot, 2 lot. Let it be 10 rupees, 25 rupees. Understand the game. Understand the logic. Understand the mindset behind it. फिर वही 10 रुपया 100 रुपया होने में टाइम नहीं लगेगा, 1000 रुपया होने में टाइम नहीं लगेगा, 1 लाख रुपया होने में टाइम नहीं लगेगा.
इट्स मैटर ऑफ वन ईयर और टू ईयर्स कंसिस्टेंट एंड रेगुलर प्रैक्टिस. सो अभी के लिए ये वीडियो बोल मीन्स रिकॉर्ड करते करते माई मोटिव वाज टू जस्ट टू शो द लॉजिक बिहाइंड दैट वन, बट थोड़ा सा ज्यादा बोल गया. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे.